हेलो दोस्तों, मंडी परिषद UP SSC में जो क्वेश्चन GK के जितने क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, उसका कलेक्शन है JEE RRB JEE रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ गई है CBT 1 का, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे का इम्पोर्टेंट है ना। यूपी गवर्नमेंट और रेलवे में जो भी हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका कलेक्शन है ये। इससे पहले भी पुराना वीडियो अपलोड हो चुका है, घटना चक्र जो पुनर्वलोकन होता है उसमें से क्वेश्चन जो आए हैं एग्ज़ाम में उन्हीं का कलेक्शन है। अब देखिए, नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है दक्षिण भारत, जिसमें चोल चालुक पल्लव और संगम युग जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें से वही क्वेश्चन में है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? आंसर इसका बी है चोल। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। देखिए नया क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू की जो खुदाई होती है पुरास्थल की, उसमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती थी। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, अरिकामेडू पूर्वी तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उत्कटिबंधी कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसके पोडेकू कहा जाता है। यह ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें शराब के 2 हत्ते कलश, रोमन लैम्प, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल व या मणियाँ, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले, रेशम लाता जाता है, अपितु रोम वासियों की रुचि नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण का रोम भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? संगम युग का राजवंश कौन सा था? चेर पल्लव चोल पांड्य पल्लव तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं था। कौन? पल्लव। संगम सहित के केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव विकास का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य, इन राज्यों में विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर उस साहित्य के से कृष्ण नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप में राजनीतिक गतिविधियों से प्राप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कुराल। कुराल एक वेद है, तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? चोल सी इसका है टोड वारियम जो है चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देखरेख व कार्यकारिणी समिति करती है, जिसे वारियम कहा जाता है। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोड वारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति या पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण व रामावतार का लेखक था? तमिल रामायण या रामावतार का लेखक ए कम्बन। 12वीं शती में तमिल रामायण व रामावतार की रचना तमिल भाषा में की गई है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ किसके बीच में? दक्षिण भारत तक्कोलम का युद्ध चोल उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल या राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल या होयसल के मध्य, चोल या पांडवों के मध्य। इसका आंसर है बी, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने पश्चिम गंगो की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, तंजोर पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण 13 ने इस उपलक्ष्य में तंजेयु कोण को उपाधि धारण की थी। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। मीनाक्षी कहाँ है? चेन्नई, मदुरई, महाबलीपुरम, कोलकाता। मदुरई में मीनाक्षी है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम व तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए। संगम काल में
प्रथम और तृतीय संगम वही जिनके अध्यक्षता आचार्य अगस्त और नक्कीरर ने की थी। इतने क्वेश्चन इसमें है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा प्राचीन साहित्य या साहित्यकार अमीर खुसरो कालिदास हरिशयन बाणभट्ट किनके राजा इनके दरबारी कवि है राजा हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर भी है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी कालिदास चंद्रगुप्तित्य हरिशयन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कालिदास चंद्रगुप्तित्य हरिशयन समुद्रगुप्त बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। ठीक इसका अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख़ अलाई किरान उस सातेन आशिका मिफ्ताउल फुतू आदि थी। कालिदास चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकानी मित्रम ऋतु संहार में एक दूत कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम आदि कृष्ण के प्राक्ष प्रशासित के रचयिता हरिशयन समुद्रगुप्त के थे और कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन बाणभट्ट। ठीक गीत गोविंद काव्य के रचयिता गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी तक अंकित था। अतः जयदेव ने इसी समय आसपास गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसे 12 सर्ग और प्रत्येक सर्ग गीतों का संबंधित है। आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय राजनीतिक और भारतीय गणितज्ञ या खगोल शास्त्री भारतीय संस्कृत के विद्वान और कवि इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट चौथी पाँचवीं शताब्दी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों और पृथ्वी के परिधि का भी पता लगाया। उन्होंने त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी माना जाता है। मत विलास प्रसन्न का लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन गौतमीपुत्र शातकर्णी महाक्षत्रप रुद्रदामन महेंद्र वर्मन और पुलकिशन द्वितीय। इसका आंसर महेंद्र वर्मन थे। मत विलास प्रसन्न एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। ठीक मत विलास ये हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पुस्तक लिखी? भोज ने। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? भोज ने। ठीक भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी। किसने? भोज ने। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक समरांगण सूत्राधार है। सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह योग सूत्र वित्ति राजमार्तंड्य विद्या विनोद युक्त कल्प तरु और आचारुचर्य इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? हर्ष ने प्रियदर्शिका नागानंद हर्षचरित या रत्नावली। आंसर बी है प्रियदर्शिका नागानंद और हर्ष और रत्नावली ने को हर्ष ने करा है। हर्ष को संस्कृत के तीन नाटक ग्रंथों की रचयिता माना जाता है प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका चार अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर के प्राणा कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में चार अंक है। यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी और वासव दत्ता के परिचारिका नागरिका का प्रणय है। कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। नागानंद बौद्ध में प्रचारित रचना है। इसमें पांच अंक हैं। पूर्व मध्यकाल देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठाई देवी हैं भगवती दुर्गा भगवती पार्वती भगवती लक्ष्मी भगवती सरस्वती। इसका आंसर डी है भगवती सरस्वती। देखिए भोपाल भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी अष्टत्रयी है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने 1035 ईस्वी संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करें।
वीडियो अच्छे लगे हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू।